हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग इलेवन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेनिश लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है आरएम वर्सेस बीआरआर के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किसको ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए सम्मो लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में बेस्ट चॉइस होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग पिक्स के बारे में। तो स्मॉल लीग में आरएम की तरफ से टीम के बारे में बात करें, एडी डवर्स के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट कार्ड के रूम में 500 के लगभग उन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके आपके लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। अगर करियर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 318 अभी तक इन्होंने लीग मैच पर लेकर रखे हैं, यानी कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों। तो आप अपनी टीम में इनको जरूर लेकर चल सकते हैं, चाहे स्मॉल लीग टीम ने ग्रैंड लीग टीम ने, इनको आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में मौका दें तो अभी आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। दूसरे नंबर पर हम बात करते विंसेंट पोरियर के बारे में, एज ए सेंटर रूम में इन्होंने 400 से ऊपर पॉइंट कवर करके आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। 296 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, एज ए सेंटर रूम में, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में बेस्ट चॉइस होने वाली है आरएम की तरफ से। चाहे आप सम्मो लीग में लेकर चले, चाहे ग्रैंड लीग में लेकर चले, चाहे आप कितनी भी टीम में, इन दोनों प्लेयर को आरएम की तरफ से जरूर लेकर चलिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बीआरआर की तरफ से आपके पास कौन सा प्लेयर एज ए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला। तो डज नान मूसा के बारे में, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में इन्होंने 200 से ऊपर पॉइंट कर करके, तो एक आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में देखने को मिल जाएगा बीआरआर की तरफ से। तो आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं बीआरआर की तरफ से एज ए पॉइंट स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में। दूसरे नंबर पर बात करें ड्राई बेल के बारे में, तो एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में इन्होंने 150 के लगभग इस लीग में पॉइंट कर करके हर मैच में लगभग 25 से ऊपर पॉइंट कर करते हैं, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिएगा इनको एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में। करियर के बारे में बात करें तो 303 अभी तक इन्होंने लीग मैच पर लेकर रखे हैं, यानी कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में मौका दे सकते हैं। ये चार प्लेयर दोनों टीमों में से हम आपको बताएं दोस्तों, इन चारों प्लेयर को आप अपनी सम्मो लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सम्मो लीग के प्लेयर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में थोड़े रिस्की प्लेयर होते हैं, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में लेकर चलें। ग्रैंड लीग के प्लेयर आप सम्मो लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो आरएम की तरफ से रूडी फर्नांडिस के बारे में बात करें, इस लीग में 160 के लगभग पॉइंट कवर करके हर मैच में लगभग 15-15 से ऊपर पॉइंट कवर कर लेते हैं, थोड़ी रिस्की प्लेयर जरूर है, लेकिन इनको आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में मौका जरूर दे सकते हैं। सम्मो लीग में इनको आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं आपके पास ग्रैंड लीग के आरएम की तरफ से एल्बर्टो एलडब के बारे में बात करें, तो एल्बर्टो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले, देख सकते हैं आप 170 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके हर मैच में लगभग 20 के लगभग पॉइंट कवर कर लेते हैं, तो आपके पास एक ठीक ठाक ऑप्शन होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इनको आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में लेकर चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपके लिए फायदा होने वाला है, थोड़े रिस्की प्लेयर है, इसलिए आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। बीआरआर के बारे में बात करें, मार्को लुकोविक के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट कार्ड रूम में 60 लग के लगभग पॉइंट कवर करके, करियर के बारे में बात करें 217 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले कर रखे, एक्सपीरियंस जरूर है लेकिन थोड़ा रिस्की है, इसलिए आप रिस्की प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग टीम में लेकर चले तो ये आपको फायदा होने वाला है। जॉर्डन सक्को के बारे में बात करें, जॉर्डन साको ने इस लीग में 70 के लगभग पॉइंट कवर करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर है दोस्तों, एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में बीआरआर की तरफ से खेलते हैं, लेकिन आप अपनी सिर्फ और सिर्फ इनको ग्रैंड लीग टीम में लेकर चलिएगा। सम्मो लीग में आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। अगर आपको सम्मो लीग के लिए टीम चाहिए या ग्रैंड लीग के लिए टीम चाहिए, उस हिसाब से आप हमें कॉमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं, आपको कितनी टीम चाहिए उस हिसाब से भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उस हिसाब से टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। तो की प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं की प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। थॉमस रटल के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड रूम में आरएम की तरफ से बेस्ट ऑप्शन होने वाले, आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। सेंगी लुलुल के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में खेलते हैं, आरएम की तरफ से बेस्ट ऑप्शन होने वाले, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में। एल्बर्टेज याज के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में आपके पास सम्मो लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। यबूसेले के बारे में बात करें, एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन है। विंसेंट पोरियर के बारे में बात करें, एज ए सेंटर के रूम में सम्मो लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला। तो इन पाँच प्लेयर को आप अपने ग्रैंड लीग टीम में तो जरूर पिक कर चल सकते हैं, आपके आपको स्मॉल लीग की टीम अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं बीआरआर की तरफ से बेस्ट सॉरी दोस्तों की प्लेटफॉर्म के बारे में। तो टी बेल है ना, इसके बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलेगा। टाइलर क्लोन्स के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है।
नजनान मूसा के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में आपके पास स्मॉलिंग और ग्रैंड लिख ले बेस्ट ऑप्शन है। कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। महाबलिश के बारे में बात करें तो इनको आप अपनी टीम में एज ए सेंटर रूम में लेकर चलेगा। इनके अलावा बी आर आर की तरफ से आपके पास और कोई अच्छा खासा सेंटर नहीं देखने मिलेगा। तो ये चार प्लेयर बी आर आर की तरफ से अच्छे खासे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। तो इनको आप अपने ग्रैंड लीग के साथ साथ एक दो प्लेयर को आप अपनी स्मॉलिंग में भी मौका दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको बता दें, हमने डिस्क्रिप्शन में वीजन का लिंक दे रखा है। आपने अभी तक वीजन डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आपको वीजन दे सकता है। यानी कि एंट्री फीस भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है और विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी डाउनलोड करें और अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ वीजन पर तैयार करें। हर गेम की 5-5 मिनट आपको एक्स्ट्रा डाइड लाइन मिलेगी और आपको कम पैसे ले हो, एंट्री फीस भी कम है, कंपटीशन भी कम है और विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। तो अभी विजन डाउनलोड करके अपने फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन पर तैयार करें। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो अगर हम आज दोनों टीमों के मुकाबले के बारे में बात करें तो आरम या फिर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल जाएंगे। तो आरम में से अब एक थोड़े ज़्यादा जीतने के चांसेस है, तो आरम में से एक दो प्लेयर ज़्यादा पिक करके चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो थॉमस हर्टल के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, 270 के लगभग पॉइंट कवर कर गए। सर्गियो लुलुल के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 212 पॉइंट कवर कर गए। फेवरिन कौसर के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 185 के लगभग पॉइंट कवर करके। हम बात करते हैं रूडी फर्नांडिस के बारे में, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में आरम की तरफ से खेलते हैं, बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 160 के लगभग पॉइंट कवर करके। अल्बर्टो डियाज के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में आपके पास स्मॉलिंग और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले, 167 के लगभग इस लीग में पॉइंट कवर करके हैं। तो पांच प्लेयर आपको आरम की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर जरूर पिक कर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीआरआर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। टीबल हनेस के बारे में बात करें, 145 के लगभग पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, पॉइंट कवर करके। टेली कलेंस के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 100 से ऊपर पॉइंट कवर करके बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में इस लीग में आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्जी क्लिंटल के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 71 के लगभग 2-3 मैच में पॉइंट कवर कर लिए, तो आप अपनी टीम में शूटिंग गार्ड के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। डजनान मूसा के बारे में बात करें, इस लीग में 200 से ऊपर पॉइंट कवर करके स्मॉलिंग और ग्रैंड लीग और कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में बेस्ट चॉइस है। और इवान क्रूज के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 110 से ऊपर पॉइंट कवर करके, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में होने वाला है। तो ये पांच प्लेयर बीआरआर की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम या ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, तो दोनों टीमों में से हमने तीन टीम आरम में से और दो प्लेयर बीआरआर में से ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन आपको पिक कर देने वाले, इन्हीं को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में लेकर चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं थॉमस हर्टल के बारे में, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, आरम की तरफ से आपके पास बेस्ट ऑप्शन पॉइंट गार्ड के साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में होने वाला है। अल्बर्टो डियाज के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में खेलते हैं, आप अपनी टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। यबूसले के बारे में बात करें, एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में 350 के लगभग पॉइंट कर करके, तो आप अपनी टीम में आरम की तरफ से इनको कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। टेल बेल हयास के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में बीआरआर की तरफ से खेलते हैं, 150 के लगभग इस लीग में पॉइंट कर करके। पॉइंट गार्ड के साथ साथ आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में आपको देखने में मिलने वाले, तो आप अपनी टीम में इनको मौका दे सकते हैं। टाइलर क्लिंसकी के बारे में बात करें, तो इनको आपके अपनी टीम में शूटिंग गार्ड तो लेकर चले चलेगा, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जे कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में होने वाले, चाहे स्मॉली टीम हो चाहे ग्रैंड लीग टीम हो, इन्हीं पांच छह प्लेयर में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। चाहे आप कितनी भी टीम बनाए, चाहे 10 टीम बनाए चाहे 20 टीम बनाए, इन्हीं में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर जरूर चलिए। इंजरी कोई भी प्लेयर नहीं है, सभी प्लेयर फिट है। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप स्क्वाड की तरफ जरूर नजर डाल लें, इन्हीं में ऐसे आपकी ड्रीम टीम होने वाली है। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो हमारे हिसाब से यह प्लेयर आज के मैच में खेलने वाले हैं, बाकी हम आपको लाइन अप आने के बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में। तो आज आप ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में बेल हैनिस को बीआरआर की तरफ से जरूर मौका दे सकते हैं। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, क्लिनोस्की आपके पास एक अच्छा खासा बीआरआर की तरफ से शूटिंग गार्ड, और ललुल आपके पास एच से शूटिंग गार्ड के रूम में आपको आरम की तरफ से देखने मिल जाएगा। स्मॉल फॉरवर्ड के बारे में बात करें, डीमूस आपके पास बेस्ट ऑप्शन स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में होने वाले, फर्नांडिस को भी मौका दे सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों इन पॉइंटों की ज़्यादा जरूरत होती है। वैसे आपके पास जे टेलर भी एक अच्छा खासा ग्रैंड लीग में आप अपनी टीम में जे टेलर को मौका दे सकते हैं, हम पहले ड्रीम टीम में इनको मौका दे सकते हैं। लुकोविक के बारे में बात करें, एज ए पावर फॉरवर्ड
इंटरव्यू रूम में भी आर आर की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में है। अब हम बात करें हैंगा के बारे में, तो हैंगा को भी आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। सेंटर के बारे में बात करें तो ट्रेवस आपके पास बेस्ट ऑप्शन सेंटर रूम में, पोरीर को भी अपनी टीम में सेंटर रूम में मौका दे सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, मूसा को अपनी टीम में कैप्टन और लुलुल को वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और विजिलेंस डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आपको विजिलेंस दे सकते हैं। एंट्री फीस भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है, विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी डाउनलोड करें और अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजिलेंस पर तैयार करें। अब हम और हमारा रेफर कोड जिसके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है।